असली प्राचीन टोटके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ लव मैरिज करने का शक्तिशाली उपाय। लव मैरिज करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन जरूर करें ये उपाय, जल्द होगी शादी। शादियों का सीजन चल रहा है और अगर आप अपने लव लाइफ को शादी के अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये ज्योतिष उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। प्रेम विवाह में कभी लड़की के माता पिता तो कभी लड़के के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते और फिर समाज बीच में आकर अड़चन डालता है, कभी जात पात को लेकर तो कभी अमीरी गरीबी और मर्यादा के नाम पर विवाह की सभी रीति नहीं मिल पाती। हालांकि आजकल समय काफ़ी बदल चुका है दोस्तों, लेकिन प्रेम विवाह को लेकर किसी न किसी तरह की रुकावट आती रहती है। हम आपको आज कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको आज से ही आप अगर अजमा लेते हैं तो आप जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। लव मैरिज करने के लिए आपको हीरा या ओपल रत्न धारण करना चाहिए और 16 सोमवार को व्रत भी रखना चाहिए। यह रत्न आपको लव मैरिज तक पहुंचाने में मदद करेगा और सोमवार के व्रत से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी, जिसे प्रेम विवाह में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, अब आपको जो गुरुवार के दिन उपाय टोटका मंत्र आजमाना है वो इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही आप शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की हर रोज़ 3 माला जाप करें। साप्तिक की माला से ही आप इस मंत्र का जाप करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश विवाह का स्थान होता है। पंचमेश भाव पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं और सप्तम भाव के स्वामी सप्तम हैं। जब यह योग बनते हैं तब प्रेम विवाह होता है। इसके लिए आप पंचमेश के स्वामी चंद्र को प्रसन्न करने के लिए मोती धारण करें। ऐसा करने से कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों, मंगल दोष के कारण भी प्रेम विवाह में अड़चने आती हैं। अगर दोनों से ही कोई मांगलिक हैं तो मांगलिक दोष का तत्काल निवारण करें, वरना आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कन्या अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ पहने और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। अपनी इच्छाओं के बारे में भगवान को अवगत कराएं। साथ ही सात्विक की माला से ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें, फिर प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा करने से भी 6 महीने के अंदर ही आपकी लव मैरिज हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें और उनको धूप घास पीले लड्डू सिंदूर और रोली आदि अर्पित करें। इस दिन आप नमक का सेवन न करें। भगवान गणेश की कृपा से प्रेम विवाह के योग बनेंगे, आप जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अब दोस्तों, लास्ट उपाय है प्रेम विवाह में सभी अड़चनों को दूर करने के लिए। रविवार के दिन पीले कपड़े में 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ, 7 गुड़ की डली, 70 ग्राम चने, 7 पीले सिक्के और 1 यंत्र लें। इनके बाद माता पार्वती की साधना करें। इन वस्तुओं को 40 दिन तक अपने घर में रखें, फिर किसी सुहागिन महिला को इनको आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी जो लव मैरिज में परेशानियां आ रही थी, बाधा आ रही थी, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें, जो नंबर इस वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल असली प्राचीन टोटके को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टोटके।